हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक और इमॉर्टल गेम है, रिकमेंडेड बाय प्रणव पांचाल जी। यहाँ उन्होंने चाइनीज इमॉर्टल के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, लुई वेंजे वर्सेस जेन फाइन डुनर। फ्रेंड्स, लियू वेंजे चाइनीज इंटरनेशनल मास्टर थे। 1978 ओलंपियाड का ये मुकाबला है। e4 के साथ यहाँ लियू ने शुरू किया। जेन ने यहाँ खेला d6, d4 हुआ, नाइट f6, देन नाइट c3 स्क्वायर पर g6, बिशप आया e2 स्क्वायर पर। क्विक डिफेंस से स्टार्ट हुई है ये गेम। बिशप आया g7 स्क्वायर पर, g4, h6, h3, c5, d5, कैसल बाय ब्लैक, देन हुआ h4, e6, g5। फाइनली नाइट तक अटैक बन ही गया है। h टेक g5, h टेक g5, देन नाइट आया e8 स्क्वायर पर, और कोई ढंग का स्क्वायर मुझे इस नाइट के लिए नजर भी नहीं आ रहा है। क्वीन d3, इरादा क्या है? इस क्वीन को डायरेक्टली ऐसे स्क्वायर पर लेकर जाओ जो ब्लैक के ऊपर प्रेशर को मेंटेन रखे। तो यहाँ पहले जेन ने e takes d5 के ऑप्शन को चुना। बिशप को इंट्रोड्यूस किया h3 स्क्वायर के डिफेंस के लिए। अब इस पॉइंट पर क्या किया जाए? क्वीन g3 किया भी जा सकता है, लेकिन एफ पॉन आगे पुश होगा। खैर, ये मूव ज्यादा मेरी इमेजिनेशन से है। Nxd5 के ऑप्शन को पहले यहाँ लियो ने चुना, और अब क्या किया जाए? आई थिंक Nc7। ये नाइट बहुत ही गलत रखा है आने वाले समय में ब्लैक के लिए, वो समझ में आ जाएगा देखकर। तो इस नाइट को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन जैन ने जब भी इस गेम को एनालाइज किया होगा तो इस मूव को जरूर सोचा होगा। खैर, यहाँ ब्लैक ने नाइट को c6 स्क्वायर पर प्लेस किया। व्हाइट ने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ क्वीन को g3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और इस पॉइंट पर एग्जैक्टली एफ पॉन पुश बिल्कुल बनता है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेटेजी क्या है? क्वीन को ऐसे स्क्वायर पर लेकर जाना जहां से चेकमेटिंग थ्रेट्स आ सके। चलिए इस गेम को यहां से आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक यहां व्हाइट एनपसेंट कर सकता है, Nxf6 हो सकता है, नाइट एक्सचेंज की कोशिश की जा सकती है। Qxg6 हो जरूर जाएगा, लेकिन ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी जब ब्लैक अपने नाइट को e5 स्क्वायर पर प्लेस करेगा, और आगे कोई फर्दर ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं बनाया जा सकता। Nxf6 चेक हो सकता है। Rxf6 होने के बाद यहाँ क्वीन पर अटैक बनेगा। कितना भी व्हाइट यहाँ कोशिश कर ले, किंग के लिए सेफ पैसेजेस होंगे यहाँ इस पॉइंट। लेकिन ब्लैक ने जब अपने बिशप को e6 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो व्हाइट को यहाँ कुछ नॉमिनेटिंग स्क्वायर्स मिल गए। उन्होंने यहाँ अपने क्वीन को h4 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन हुआ f5। अब एन परसेंट करना आई डोंट थिंक कोई बहुत स्मार्ट मूव होगा। तो क्वीन h7 चेक हुआ, किंग f7 स्क्वायर पर गया, और फ्रेंड्स यहाँ तक चलिए इस गेम में सब कुछ ठीक है। यहाँ जेन डोनर ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा क्वीन सेक्रीफाइस। क्वीन टेक्स g6 चेक, और आखिर ये क्यों आया है? जस्ट सिंपली बिकॉज बिशप ऐसे स्क्वायर पर बैठा है जो कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा। किंग टेक g6 फोर्स्ड हो जाता है। बिशप h5 चेक हुआ, किंग को h5 में ही आना पड़ा h7 स्क्वायर पर। इनफैक्ट और कोई स्क्वायर था भी नहीं, और व्हाइट को मौका मिला अपने बिशप को f7 स्क्वायर पर ले जाकर डिस्कवर्ड चेक देने का, और इस किंग के भागने के लिए कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर जैन को करना ही पड़ा बिशप h6। बिशप h6 ठीक है, उनका सोचना भी कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ये बिशप सेक्रीफाइस ही कर देते हैं, लेकिन बिशप चाहिए ही किसको? g6 चेक। किंग के लिए g7 स्क्वायर अवेलेबल है, लेकिन फाइनल मूव यहाँ पर लियू वांजे का आया, बिशप टेक्स h6 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद रेजिग्नेशन देना ही पड़ा जेन डोनर को। किंग के भागने के लिए अब कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर नहीं बचा है विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट। तो इसी कारण से जेन डोनर को यहाँ रिजाइन करना पड़ेगा। किंग के लिए h8 स्क्वायर ही बचा है, देन बिशप टेक्स f8 चेक। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती, क्वीन बीच में लग भी गई, देन रुक टेक्स h4 चेक, और वो बैठ गई। फ्रेंड्स, छोटी गेम थी, काफी सिंपल। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस्गर को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।